शर्मा, इतने गुस्से में क्यों हो? बस यार क्या बताऊं, आज दुनिया के सारे मर्दों पे मुझे इस कदर गुस्सा है, दिल कर रहा है कि सब मर्दों को इकट्ठा करके फ्राई पैन में डाल के ना उनका अंडा घोटाला बना दूं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बाहर निकलो तो सारे मर्द ऐसे देखते हैं जैसे आप इस कुर्रे अर्ज की पहली औरत है, और सारे मर्द ऐसे घूरते हैं कि जैसे आपको इंसान नहीं किसी और सहारे की मखलूक है। तौबा है मर्दों की हरकतों पर और उनकी गंदी नजरों पर। अच्छा छोड़ो भी, रोजे में गुस्सा नहीं करते। तेरे क्या हरकतें हैं यार? तू क्या हुआ? क्या हुआ यार, कम से कम रमजान के महीने का तो एहतराम कर लो। इवन ये चीजें तो आम दिनों में इतनी गलत है, और तुम लोग रोजे में भी। क्या तू हर वक्त मौलाना बन के शुरू हो जाता है यार? यार बात मौलाना बनने की नहीं है, ये बात हर शख्स अच्छी तरह जानता है, हर मुसलमान अच्छी तरह जानता है कि ये गलत है, और तुम लोग भी जानते हो। सब कुछ जानते हुए भी गलत हरकतों में लगे हुए हो, ये गुनाह है यार। अच्छा यार, अब लेकर देना बन गया। तुमने वैसे उसके बीकॉम के तो पक्के दे दिए, बहुत पहले से कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे बढ़े। वाह यार, तुम लोग फिर वही हरकतें कर रहे हो। भाई हम उसे छेड़ तो नहीं रहे ना, कुछ छेड़ भी नहीं रहे, फिर क्या मसला है? मेरे भाई, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता बल्कि जिस्म के हर एक हिस्से का होता है, तुम्हारी निगाहों का और तुम्हारी जबान का भी रोजा होता है। कभी कुरान पाक को ठीक से स्टडी करो तो पता चले ना कि सूरह नूर में अल्लाह पाक ने मोमिन बंदों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया है, मगर कसूर तुम लोगों का भी नहीं, अल्लाह पाक ने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है। क्या मतलब, हम मोमिन नहीं है? यार तुम्हारा ईमान तो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक लड़की को नजर नजर में घर तक ना पहुंचा दो। अब ऐसी भी बात नहीं, हमें पता है कि गलती हमारी है। शुक्र है कि तुम्हें अपनी खता का एहसास तो हुआ। बिलीव मी, अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीमात का पास रखे ना, तो इस सोसाइटी में कोई भी दूसरे से इनसिक्योर फील ना करे। मगर आजकल के दौर में ये सब तालीम देने वाला भी तो कोई नहीं। कैसी बातें करते हो यार, आजकल तो हर चीज किताबों में मौजूद है, इंटरनेट है, लाइब्रेरीज है, फिर हमारे मोहल्लों में मस्जिदें हैं, मस्जिदों में उलमा होते हैं। अब वो हर एक बात सिखाने तो हमारे घर नहीं आएंगे ना, हमें खुद जाना पड़ेगा। ठीक कहते हो, अगर हम अपने दीन को सिंसियर होकर स्टडी करें तो अल्लाह खुद हमारी हेल्प करेगा। तो फिर तय हुआ कि हम डेली एक घंटा कुरान की और इस्लामिक बुक्स की स्टडीज करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। आफिया, आज क्या घर नहीं जाना, 2 बज रहे हैं। नहीं यार, आज कुछ काम बाकी बच गया है, आज मैं भी तुम्हारी तरह लेट सिटिंग करूँ। अरे तुम ये पहन कर आते हो, मैं तो तुम्हें आजकल के दौर की लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो आजकल की लड़की से क्या मतलब है आपका? क्या आजकल की लड़कियां पर्दा नहीं कर सकते? खैर पर्दा तो जरूरी नहीं, अगर मैं पर्दा नहीं करती तो इसका मतलब मैं खराब लड़की हूँ। अल्लाह ना करे तुम खराब लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो तुम्हें हर वक्त मर्दों से शिकायत रहती है ना, इसकी भी जिम्मेदारी तुम पर जाती है। अगर तुम चाहो तो इन्हें ऐसा करने से रोक सकती हो। क्या मतलब, अब मैं क्या हर आने जाने वाले लड़के से लड़ूं कि मेरी तरफ मत देखो? ये मैं कब कह रही हूँ, मेरे कहने पे एक तजुर्बा करोगी? वो क्या? ये लो और ये पहन के नीचे का एक चक्कर लगा कर आओ। ये क्यों, इससे क्या होगा? अरे करके तो देखो जो मैं कह रही हूँ। देखा लोगों ने? अब भी देखते कैसे, उनको मेरा चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे अभी मैं उनके लिए अबाया हटा दूंगी। लेकिन एक बात है, मैंने इसमें खुद को बहुत सिक्योर फील किया।
यही तो फायदा है इसका, ना सिर्फ आप महफूज हो जाते हैं बल्कि मर्द भी गुनाह करने से बच जाते हैं। सोचो तुम कितने सुकून से घूम कर आ गई, और यही फायदा समझ लो इसका। और हमारे रब ने वाज़े तौर पे कुरान शरीफ में पर्दे का हुक्म दिया है और शर्म हया की तलकीन की है। तुम एक काम करो, सूरह नूह की आयत नंबर 31 की अच्छी तरह स्टडी करो, इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और मैं कल तुम्हें और भी रेफरेंसेस ला दूंगी। तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? कहो। मुझे ऐसा ही अबाया चाहिए, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगी। तुम इतना बदल रही हो, तो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगा। يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीजा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आरायश और जेबाइश को जाहिर न किया करें सिवाय उसी हिस्से के जो उसमें से खुद जाहिर होता है, और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें, और वो अपने बनाओ सिंगार को किसी पर जाहिर न किया करें सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मजहब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमतगार जो ख्वाहिश और शहवत से खाली हों या वो बच्चे जो कम सिनी के बायस अभी औरतों की पर्दे वाली चीजों से आगाह नहीं हुए, ये भी मुस्तस्ना हैं। और न चलते हुए अपने पांव जमीन पर इस तरह मारा करें कि पैरों की झनकार से उनका वो सिंघार मालूम हो जाए जिसे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं। और तुम सब के सब अल्लाह के हुजूर तौबा करो ऐ मोमिनों, ताकि तुम इन अहकाम पर अमल पैरा होकर फलाह पा जाओ। مولاي صل وسلم دائما ابدا